हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे खुशी की, हैप्पीनेस की। हमारी लाइफ में हमारी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड करती है हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे क्लोज रिलेशनशिप पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने क्लोज रिलेशनशिप की, अपने पार्टनर के साथ आप अपनी लव एंड इंटीमेसी को बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्या करें कि आपका पार्टनर आप पे 100% ट्रस्ट करे और हमेशा आपका साथ दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, वैल्यू दे, इम्पोर्टेंस दे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने रिलेशनशिप में लव को, इंटीमेसी को कैसे बढ़ाएं, अपने रिश्ते को मजबूत कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 6 पॉइंट शेयर करूंगा, 6 सीक्रेट शेयर करूंगा जो वेल रिसर्च्ड हैं, वेल प्रूवन हैं। अगर आप इन 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में जो भी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लव होगा, वो इंटीमेसी होगा और वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 की, जो ये कहता है कि रिलेशनशिप रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट फूड। देखिए, जो भी क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उनको एक रेगुलर अटेंशन चाहिए होता है, रेगुलर एनर्जी चाहिए होता है, रेगुलर केयर चाहिए होता है। और देखिए, जैसे जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें फिजिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मेंटल डिस्टेंस मैटर करता है। कई बार क्या होता है, हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन हमारे बीच मेंटल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार हमारा जो भी पार्टनर है, जो भी हमारा लव्ड वन है, बहुत दूर रहता है लेकिन हम लोग 24 घंटे मेंटली एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर इज रिलेशनशिप रिक्वायर कॉन्स्टेंट फूड। हमेशा आपको, आपका जो क्लोज रिलेशन है आपको उसको अपना लव, केयर, अटेंशन आपको हमेशा देने की जरूरत है। इस बात को समझना है। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल। जो भी आपका पार्टनर है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके एग्जिस्टेंस के, उसके इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट कीजिए आप। जितना आप अपने पार्टनर को बेहतर समझेंगे उतना आप उसका लव, अटेंशन, केयर को आप अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग की एक अनकॉन्शियस डिज़ायर होती है कोई हमें समझे, कोई हमें समझे। कई बार हम लोग की कॉन्स्टेंट क्रेविंग होती है कि हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं है, मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी है, मैं जो करना चाहता हूँ, जो मैं सोचती हूँ मेरा पार्टनर उसे समझता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो आपको समझना है। पॉइंट नंबर 3, इसको बोलते हैं स्मॉल इज बिग। देखिए, रिलेशनशिप में छोटा कुछ भी नहीं होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं ये तो छोटी बात है, रिलेशनशिप में कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि हर बात आपके, आप अपने पार्टनर को कितना वैल्यू दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो द प्रिंसिपल इज स्मॉल इज बिग, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीक्रेट नंबर 4, कीपिंग कमिटमेंट। अगर आपने कुछ कमिट किया है, अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है तो एट एनी कॉस्ट उसको आप पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ प्रॉमिस करते हैं, कमिट करते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपके पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक होता है, फिर वो दोबारा आप पे ट्रस्ट नहीं करता है। और जो रिलेशनशिप है, इट्स द गेम ऑफ ट्रस्ट। रिलेशनशिप का मतलब ही है कि ट्रस्ट है तो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो बस नाम की चीज़ है, वो रिलेशनशिप नहीं है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी कमिट कीजिए तो उसको लिख के रखिए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, आपको उसको कंप्लीट करना ही करना है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए ताकि आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट कर सके, आपकी वर्ड्स की वैल्यू हो। 5th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपोलॉजीज। कभी भी आपसे गलती हो तो खुल के सॉरी बोलिए, खुले दिल से सॉरी बोलिए। ये रिलेशनशिप में बहुत की रोल प्ले करता है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपसे गलती ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है, गलती होनी ही होनी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने ईगो में आ जाते हैं, एरोगेंस में आ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं क्यों गलती बोलूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से कई लोग का रिलेशनशिप स्ट्रगल करता है, सफ़र करता है। तो कभी भी गलती हो आप उसको डीपली रियलाइज़ कीजिए और खुले दिल से सॉरी बोलिए और उसको इम्प्रूव भी कीजिए। ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिलेशनशिप में, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप काउंट करता है, लव काउंट करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग राइट या रॉन्ग में उलझ जाते हैं कि मैं सही, वो गलत, वो सही, मैं गलत, वो सही, हम लोग इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी एक स्ट्रांग रिलेशनशिप होती है, जो भी अच्छे दोस्त होते हैं, वो अपने फ्रेंड का उसके सही गलत हर चीज़ में साथ देते हैं। इसीलिए एक वर्ड फेमस है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स इन क्राइम, कि जो गलत में भी साथ दे,
तो रिलेशनशिप का एक माइंडसेट समझिए, सही गलत ठीक है वो सब अपनी जगह है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप है। तो कई बार हम लोग लॉजिक में, सही गलत में, तू तू मैं में उलझ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है कि रिलेशनशिप काउंट करता है, रिलेशनशिप की उम्र ज़्यादा है, कौन सी बात सही है, कौन गलत है, कौन सही है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। मेन फोकस होना चाहिए कि मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरा जो लव है, मेरी जो पार्टनरशिप है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन सही है और कौन गलत है। ये 6 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप की जो रियलिटी है वो वही होगी जो आप चाहते हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।